हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं मुरलीधर निषाद आपका आज के इस ब्लॉग में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और अभी अगर समय की मैं बात करूँ तो सुबह सुबह 4:00 करेक्ट 9 मिनट हो रहे हैं और अभी हम लोग बैठे हुए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ योगा करने का और मैं यथाशक्ति यथासंभव योगा कर रहा हूँ। और इधर देखिए, इधर कुछ तैयारियाँ हो रही हैं। आज है कार्तिक पूर्णिमा, तो कार्तिक पूर्णिमा के इस अवसर पर यहाँ पर आज दीपदान की तैयारी है। सुबह हम लोग चलेंगे 6:30 बजे दीपदान के लिए नदी तालाब में और यहाँ पर स्नान ध्यान कर लेंगे। और ये तैयारी हो चुकी है, तो आइए थोड़ा देखते हैं। बाबू अभी जागा हुआ था लेकिन तुरंत सो गया है। ये देखिए, इधर तैयारी चल रही है। तो आपको बता दूँ मैं, ये इस डिब्बा में घी है, इस डिब्बा में क्या है जी, बाती इस डिब्बा में बाती है और यहाँ पर ये बनाया गया है। ये देखिए, है ना, ये बाती वगैरह सजा लिया गया है। और ये आटे की लोई को मैंने इस तरीके से बनाया गया है, देख सकते हैं आप। और उसी में बाती को रखा गया है बड़े सुंदर तरीके से। तो अभी इनका ये बीजी कार्यक्रम चल रहा है ना। तो देखते हैं, ब्लॉग में बने रहिए, है ये इस ढंग से बना रहिए है। ये रुई ले लिए हैं, रुई हो गया। फूल पानी वाला सब अब फूल पानी इकट्ठा करेंगे और हम लोग का तैयारी रहेगा आज 6:30 बजे। हम लोग 6 बजे लगे जाओगे, नहीं लगभग छः छः बजे बजे के आसपास हम दीपदान के लिए तालाब नदी की तरफ चलेंगे। तो ब्लॉग में बने रहिए। हम लोगों ने जब ये हमारा ये बाती तैयार हो चुका है ना, तो हम लोगों ने बाती वगैरह तैयार कर लिए हैं। और ये है हमारा फूल पान चावल है, इसमें फूल हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे फूल हैं, इसमें बहुत ही सुंदर गेंदे का फूल है। और एक फूल ये भी है, ये कौन सा फूल है जी, ये अर्क का है क्या, ये भी कौन सा फूल है देखिए, जरूर कमेंट करके बताइए आप। और इस दोना में कुछ फल वगैरह हैं, है ना। इसमें है, आपको बता दें इसमें क्या क्या है। कुछ मूंग हाँ, इसमें है मूंगफली, कच्चू है, सरसों, कच्चू वचाई और झुनगा है और मूंग है, धान है, मूंगफली है और ये है अमरूद का फल और एक केला। तो इस तरह से इनको तैयार किया गया है। और हमारा सामान आइए, कुछ दोना है, माची सर, ये सब हमने तैयार कर लिए, धर लिए और अब हम चलेंगे, है ना। हमने अगरबत्ती भी रख लिया है, इस तरह से हम तैयार कर लिए हैं। अब हम नहा धोकर एकदम से रेडी होकर के हमको चलना है। तो ब्लॉग में अभी हम लोग दोनों योगा कर रहे हैं और कपालभाति अनुलोम विलोम स्टार्टिंग करते हैं भस्त्रिका से। सबसे पहले हम भस्त्रिका करते हैं, भस्त्रिका के बाद कपालभाति करते हैं। कपालभाति करने के बाद बाह्य प्राणायाम,
बाहर प्राणायाम में दो खंड होते हैं, उसको दो दो तीन तीन बार कर लेते हैं, पाँच तीन से पांच बार। उसके बाद उजाई करते हैं, उसके बाद उजाई के बाद अनुलोम विलोम, और अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी उद्गीत करते हैं। तो अभी हम योगा कर लेते हैं, और योगा कर लेने के बाद में हम स्नान ध्यान करेंगे। उसके बाद ठंड का समय है तो थोड़ा सा हम स्नान के बाद आसन प्राणायाम और सूर्य नमस्कार कर लेंगे, और उसके बाद फिर पूजा पाठ करेंगे। अभी दान करने के लिए, दीप दान करने के लिए आगे जाएंगे। तो आए हैं नदी की तरफ दिया जलाने, दीप दान करने के लिए। चलो तैयार हो गए? हाँ चलो जल्दी चलते हैं। फोटो खींच ले भैया, भाई बड़ भागे का भैया हवन के गांव बड़ भागे भाई के का पानी में ढीला थन तक ए बाबू ले ऐसा करे तो दिखे हमारे किसने पापा पापा सब पार्टी सब पार्टी।
ऐसे बढ़िया होते हैं ठीक है जी सब वीडियो तैयार होते हैं चलो बढ़िया लग रहा ले ठीक है जय गंगा माई जय माँ के लोग बहुत बढ़िया तरीके से बहुत बड़ा बहुत बड़ा दृश्य लगे से ठीक है। रायगढ़ की जीवनदायी नदी और भाग्य रेखा
माँ केलो के श्री चरणों में आज हमने दीप दान किया। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। अभी हम केलो में नदी में माँ केलो के श्री चरणों में दिया जला करके दीप दान करके अभी हम घर आ गए हैं। तो आज इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए आपका, मैं मुरलीधर निषाद आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।